पहले तो आपके चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि मुझे बोलने का मौका दिया, और मेरी लोगों से अपील है कि मैं समाज सेवी भी हूँ और आस्थावान धार्मिक भी हूँ, तो मेरे लोगों से अपील है, क्योंकि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि आज का जो माहौल है वो किस तरीके का माहौल चल रहा है। मैं अपील करता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए और मेरी हिम्मत को बढ़ाएं, क्योंकि समाज सेवी ने बड़ी हिम्मत करके आप लोगों के सामने आने की कोशिश की है, क्योंकि सामने वाली सत्ता हर तरीके का प्रेशर वोटर पे भी, सपोर्टर पे भी, मुझ पर भी बहुत उनके प्रयास चल रहे हैं, मगर मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं किसी चीज़ से डगमगाऊंगा नहीं, खुलकर सामने हूँ उनके, क्योंकि मैं एक समाज से भी हूँ और समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है जनता मेरा साथ देगी इसमें, क्योंकि ये एक धर्म युद्ध बन गया है। आपके क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? नगर का सबसे बड़ा मुद्दा है जल भराव का। हम विश्वास दिलाते हैं जो जल भराव की समस्या आने वाले काफ़ी समय से नहीं हुई, हम विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी कोई जगह ना होगी जहाँ हम नाले की व्यवस्था ना करें या जल भराव की जो समस्या है उसका पूरा निदान करें। नाली, खड़ंजे या सड़कें जो भी नहीं बन पाई है, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले जो 10 सालों में विकास नहीं कर पाया, हम आने वाले 2 साल के अंदर उस कार्य को करके दिखाना इनका काम करेंगे, और जो भी नगर पालिका का काम होगा वो ट्रांसपेरेंसी सबके सामने बैठकर फैसला लिया जाएगा, जनता के साथ वोट की मीटिंग नहीं, जनता को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा, उस जनता के सामने फैसले लिए जाएंगे कि कहाँ काम जरूरी है कहाँ जरूरी नहीं है, तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी है उन कामों को काम कराने का काम करेंगे। बारात घर नहीं है यहाँ पर, गरीब कोई शादी करना चाहता है बारात घर बनवाने का काम करेंगे। मेरे युवा साथी खेलने से मायूस रहते हैं, हम खेल का कोई एक मैदान का बनवाने का काम करेंगे, और यहाँ पर एक कार्य अधूरा है, परशुराम भगवान की मूर्ति जो स्थापना नहीं हो पाई, हम अपने कार्यकाल में उसको भी कार्य कराने का काम करेंगे। एक चंद्र सुभाषचंद्र बोस का रूम जो कि NOC नगर पालिका पिछले 5 सालों में नहीं दे पाई, हम उसको बनवाने का कार्य करेंगे। ऐसे बहुत से कार्य हैं, क्योंकि मैं एक कार्य करने के लिए इस पदभार को संभालने के लिए आ रहा हूँ, मैं चेयरमैन नहीं हूँ, यहाँ की जनता चेयरमैन है, जो जनता का दुख है वो मेरा दुख है, जिसमें जनता की भलाई है वो कार्य सारे मैं करूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप जनता से कोई अपील करें? मेरी जनता से यही अपील है कि मुझे लोग समाज सेवी के नाम से जानते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे कि यहाँ की पब्लिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा, तो मेरी जनता से यही अपील है कि इस बार आप मुझे अपना एक वोट भीख के रूप में देकर मुझे विजयी बनाने का काम करें, जिससे कि मैं जनता की सेवा अच्छे से कर सकूं। मेरा सभी से यही निवेदन है कि मुझे अपना वोट भीख के रूप में देकर मुझ जैसे को कामयाब बनाने का काम करें, और मैं समाज की सेवा करता हूं, करता रहूंगा, आपके बीच जैसे हूं वैसे घूमता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।